मैम साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। किसने बोला? प्रिया, प्रिया ये किसने बताया साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ सोल? कौन बताया अभी बेटा, बताओ ना, देखे नहीं? प्रिया बताई, साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ सोल, मैविश बताई। रेस करो ना, हैंड रेस करो ना, किसने बताया ये आंसर? नहीं कोई नहीं बताओगे, देखो आप लोग सही बोले हो, इसका नेटवर्क इशू हो रहा है मैम, उसी ने बोला है। अच्छा मैविश बोले, अच्छा चलो ठीक है। तो अभी आप लोग को ना वेटिंग रूम, अच्छा एक सेकंड बेटा, दो लोग वेट कर रहे हैं, राहत गजाला और एमजी अमन, है ना, इन लोग को ऐड कर ले। अब बता रहे हैं आप लोग को कि जो आप लोग बहुत मैविशिक अपना डाउट्स डाली, तो इस अच्छा ही है, इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा भी कर लेंगे, है ना। मैविश परीन, आज बहुत बच्चे आ गए हैं, अच्छा लग रहा है। ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 9 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, 9 ही लोग हैं हम लोग। चलो तो अभी मैविश बोली कि साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ सोल, है ना, तो इसको एक ध्यान देना। वेटिंग रूम मैविश फॉर इंजॉइनिंग, हाँ तो इसमें एक चीज ध्यान देना बेटा कि जो साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ सोल बोली मैविश, तो ये कब था, ये डेफिनेशन कब था, ये डेफिनेशन कब था? देखो अच्छा हुआ कि सबसे पहले हम इस पे आ गए, क्योंकि आप इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो, मतलब तो हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं आपको साइकोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, तब हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी जो था वो 1879 के पहले मनोविज्ञान की पढ़ाई दर्शन शास्त्र के अधीन में होता था। किसके अंडर में होता था? फिलोसफी के अंडर। हाँ तो दर्शन शास्त्र के जब अधीन में पढ़ाई होती थी, उस समय जो पहला परिभाषा था मनोविज्ञान का, वो परिभाषा था कि साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ सोल, है ना। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या हुआ उसके बाद, हुआ कि भाई आत्मा को तो कोई देखा नहीं है, आत्मा और परमात्मा को कोई देखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, उस पर स्टडी संभव नहीं है, ठीक है ना। तो फिर आगे चल के हुआ कि नहीं, कुछ दार्शनिकों ने और मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा बदल दी, और तब परिभाषा बदल के दूसरा परिभाषा जो दिया गया वो था दूसरा परिभाषा कि साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ माइंड, क्या। हाँ तो ये दोनों जो परिभाषा थे बेटा, याद रखना तुम लोग एकदम अच्छे से कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल और साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ माइंड, ये दोनों परिभाषा जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अधीन में था तब ये परिभाषा दिया गया था, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोग का? फिर से रिपीट करें इस बात को, बोलो। दर्शन शास्त्र के अंडर में मनोविज्ञान एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था बेटा, मनोविज्ञान की पढ़ाई दर्शन शास्त्र के अंतर्गत होती थी। किसके अंतर्गत होती थी? दर्शन शास्त्र फिलोसफी के अंदर में होती थी उसकी पढ़ाई, ठीक है ना। तो उस समय मनोविज्ञान का जो परिभाषा दिया गया था वो था, जो पहला परिभाषा था वो था साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ सोल, यानी मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सब लोग बोले कि भाई आत्मा को तो कोई देखा नहीं, मनोवैज्ञानिकों ने अपने में चर्चा की, है ना, कि आत्मा को तो किसी ने देखा नहीं, अब पता नहीं आत्मा है भी कि नहीं है, आत्मा परमात्मा कौन जान रहा है। इसीलिए क्या हुआ कि इसकी परिभाषा जो है वो बदल गई, और दूसरा परिभाषा जो दिया गया वो था साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है ना। तो जब साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ माइंड दिया गया बेटा, तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद फिर जो साइकोलॉजिस्ट थे वो बोले कि नहीं, साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ माइंड जो है, माइंड जो है वो भी प्रॉपर नहीं है,
ठीक है ना, मन के बारे में हम कैसे अध्ययन करेंगे? अगर किसी भी विषय को वैज्ञानिक होना है तो उसका अध्ययन कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कर सकता है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है वो संभव नहीं है अध्ययन करना, ठीक है ना। अब सपोज करो कि भाई निशा है, आफरीन, जो भी आप लोग हो, जितने बच्चे, आपके मन में क्या चल रहा है वो हम कैसे जान सकते हैं, है ना। तो फिर 1879 में